वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। बहुत खुशी की बात है कि अभी अभी जो मेरे को नोटिफिकेशन मिला है, मगध यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय यानी मगध विश्वविद्यालय ने BAC पार्ट थर्ड जो जिनकी सेशन 2016 से 2019 थी, उनकी रिजल्ट BAC की जो पेंडिंग बता रही थी, वेट करने के लिए बोल रही थी 48 आवर की, वो अब सॉल्यूशन दोस्त ख़त्म हो गया है। अब अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ अब अपना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं। आप जाएंगे सीधा गूगल ऐप्स में, उसमें आप टाइप करेंगे मगध यूनिवर्सिटी MAGADH मगध यूनिवर्सिटी, आपको डायरेक्ट ऊपर मेरा खुल गया मगध यूनिवर्सिटी दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, मगध यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है https://magadhuniversity.ac.in पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे दोस्त, थोड़ा सा समय लग रहा है नेटवर्क की वजह से, तो आप नीचे ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की ओर आप बिल्कुल सबसे नीचे जाएंगे ऑनलाइन रिजल्ट शो कर रही है, इसमें आप डायरेक्टली, उसके बाद इसमें जो डालना है आपको कोर्स नेम, तो हम लोग का जो कोर्स नेम है वो BAC पार्ट थर्ड है, जो जिसकी रिजल्ट पेंडिंग बता रही थी दोस्त, उसका बेहिचक नो वेट करना है, अब कोई वेट नहीं करना है। BAC पार्ट थर्ड यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट अपना रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर है 19 32 11 27 61, इसको डालकर अपना सर्च करेंगे। कुछ वेट करना पड़ेगा, देखिए मेरा खुल गया है ANS कॉलेज नबी नगर, और नाम के साथ कितना कितना मार्क्स आई है पार्ट थर्ड की, और ये जो पब्लिश हुई है 2 दिसंबर 2019 की। लेकिन दोस्त यही थी कि ये भी अपलोड नहीं हुई थी, इसलिए आप लोग परेशान हो रहे थे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पेश कर देना चाहता हूँ कि अब कोई रिजल्ट पेंडिंग नहीं बता रहा है, आप प्लीज़ जल्दी से अपना रिजल्ट चेक कर डालिए, और फिर अपना मेरे कमेंट कीजिए कि कितने कितने मार्क्स आपकी आई है। थैंक्स।